नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये कॉस्मस, इसके ऊपर जो है पूरा जानकारी दूंगा। इसके इतना ब्लूमिंग के पीछे क्या राज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको ग्रो कैसे करेंगे इसके ऊपर जो है पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये है आप देख रहे हैं कितना अच्छा कॉस्मस, ये येलो कॉस्मस जो कि जिसका कॉमन नेम है सल्फर कॉस्मस। ये सल्फर कॉस्मस जो है एक स्पेसिस है कॉस्मस का। तो दोस्तों ये बहुत सारा इसका कलर है, तो ये येलो है, वाइट है, पिंक है। तो दोस्तों इसका जो है बहुत सारा वैरायटी मतलब कलर होता है, लेकिन ये जो येलो जो है बहुत ही एक अच्छा मतलब कहना इसमें ये जो है देखने में लगता है। और ये इसका जो आप देख रहे हैं ये पेटल्स मतलब कितना बड़ा है और कितने बड़े साइज का ये जो कॉस्मस है। तो ये दोस्तों करीबन 4 महीना हो गया इसको से मैंने प्लांटेशन किया। तो आप देख रहे हैं इसका ये जो है ये देसी कॉस्मस है, ये बहुत मतलब कहना 6 फीट तक हाइट हो जाता है। तो ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो करीबन 6 फीट का है इसका हाइट है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ ऊंचा करके मतलब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कॉस्मस है आप मेरे से भी मतलब कहना ऊपर है ये। तो दोस्तों चलिए, ये पहले जो है एक ग्रोइंग बैग में था जो कि पूरा मतलब फट चुका था, तो मैंने इसको रिपोर्टिंग किया, पूरा जो है एक पॉट में इसको मैंने रिपोर्टिंग कर दिया। तो उसके बाद जो है दोस्तों इसको ये जो है फ्लोरिंग धीरे धीरे जो है ये बड्स आने लगा और बहुत ही अच्छा फ्लोरिंग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसके लिए मेन जो ये फ्लोरिंग के पीछे राज क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जो है मैं सॉइल की बात करूं, इसमें ज़्यादा रिच सॉइल की ज़रूरत नहीं है, मीडियम सॉइल से ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और जो है आपको मतलब एक बार अगर आप इसको जब रिपोर्टिंग के टाइम जब इसको आप इसको ग्रो करेंगे तब इसको जो है थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद से मतलब आपको इसको जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसको एक तो जो है ये सॉइल वेल ड्रेन्ड एंड मीडियम सॉइल होना चाहिए, ज़्यादातर मतलब इसमें थोड़ा सा एसिडिक सॉइल ये ज़्यादा पसंद करता है, तो इसीलिए थोड़ा कंपोस्ट इसमें ज़्यादा मतलब शुरू में ही थोड़ा सा दे देंगे, तो फिर ये जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाता है कंपोस्ट से, तो उसी से जो है ये अच्छा ग्रो करता है। वाटरिंग जो है इसको मीडियम वाटरिंग करना चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग अगर करेंगे तो फिर इसका रूट्स जो है वो सड़ सकता है और पौधा ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसको जैसे ऊपर का सॉइल सूखता है तभी जो है इसको वाटरिंग करें, और ज़्यादा ड्राई आउट नहीं होने दें, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर जो है रहने के बाद ही जो आप इसको वाटरिंग करें, ताकि ये ज़्यादा अगर ड्राई आउट होगा तो इसका पत्ता जो है ये ढल जाता है मतलब पूरा मुरझा जाता है, तो इसलिए आप इसको जो है वाटरिंग रेगुलर बेसिस पे कीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखिए, ज़्यादा ड्राई आउट नहीं होने दीजिए। और इसको जो है पूरा सन चाहिए, आप इसको फुल सन में रखिए, ये सन लवर है तो बिल्कुल जो है सन में रहेगा तो ये अच्छा ब्लूम करेगा। और मैंने जो है इसको जब रिपोर्टिंग किया तब इसको जो है मैंने थोड़ा बहुत इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो मैंने प्रयोग किया, जो कि 10-26-26 एक NPK है, उसको मैंने 6-7 दाना जो है वो पानी में घोल के मैंने इसको दिया था। उसके बाद मतलब ये जो है बर्ड्स आना शुरू हुआ और बर्ड्स भी जो है भर के मतलब ये आ रहा है आ गया, और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें और भी कुछ मतलब कहना है ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, केवल जो है थोड़ा सा वाटरिंग आपको ध्यान देना है,
और जो है अभी जो है आपको थोड़ा सा इसको डेड एडिंग करना है। आप देख रहे हैं कितने सारे जो फ्लावर है ये जो है सूख चुका है, मतलब ड्राई हो चुका है। ये कम्प्लीटली ड्राई होगा तभी इसमें सीड्स बनेगा। अगर आप कम्प्लीटली ड्राई करेंगे तो फिर इसका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर बड्स नहीं बनेगा। और दूसरा ब्रांच भी इसमें, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर से दूसरा ब्रांच निकल रहा है, ये देखिए दूसरा ब्रांच में भी आपको बड्स नज़र में आएगा। तो ऐसे ही अगर इसको डेड हेडिंग कर देंगे तो फिर इसको दूसरा ब्रांच आएगा, तो दूसरा ब्रांच में जो है दूसरा ब्रांच आएगा, दूसरा ब्रांच में जो है आपका फिर फ्लावरिंग, मतलब बड्स आएगा, फ्लावरिंग होगा। तो ये फ्लावरिंग के पीछे यही बस इतना ही सीक्रेट है कि आप इसको डेड हेडिंग करें। और जो है इसको मैंने जब रिपोर्टिंग किया, मतलब जब इसको करीबन एक महीना हुआ इसको रिपोर्टिंग किया, तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है रिपोर्टिंग करने के एक डेढ़ हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत मैंने इसको 10-26 जो है एनपीके है उसको मैंने प्रयोग किया, उसके बाद ही जो है इसमें फ्लावरिंग, मतलब बड्स आना शुरू हो गया और बहुत ही मतलब अच्छी तरह बड्स इसमें आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, मतलब ये जो फ्लावर है आप मतलब कहना आप एक एक मतलब कितने बड़े बड़े, और इसमें पेडल्स भी बहुत सारा है, करीबन 9-10 पेडल्स जो है इसमें है एक एक में। तो ये बिल्कुल जो है सनफ्लावर की तरह ही, मतलब जो है छोटा सनफ्लावर की तरह ही लग रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो केयर है वो है दोस्तों इसको जो है इसका पेस्ट का जो प्रॉब्लम है, ये स्पाइडर माइट्स देन मिली वर्क्स इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने दो बार जो है मैंने इसको नीम ऑयल की स्प्रे किया और उसके बाद मैंने देखा नहीं है कि कोई कुछ इसमें पेस्ट का प्रॉब्लम मतलब हुआ है। तो दोस्तों ये पेस्ट, मतलब क्या ना, पेस्ट की प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, अगर आप ये महीना 15-20 दिन में भी एक बार अगर नीम ऑयल की स्प्रे कर देंगे तो इस पौधे में जो है पेस्ट का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा। तो दोस्तों इसका प्रोपगेशन की बात करो तो ये कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन आप कर सकते हैं, या तो सीड जर्मिनेट करके भी आप इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। आप कटिंग्स मतलब कि ना बिना रूटिंग हार्मोन में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जब मतलब कहना बरसात के टाइम पे आप इसको कटिंग्स डालें और बहुत सारा पौधा भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों ये जो सीड्स आप देख रहे हैं, ये सीड्स ये पक जाने के बाद, मतलब ये पूरा ड्राई आउट हो जाने के बाद इसको तोड़ के आप रखें तो फिर ये आसानी से आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। ये समर सीजन में आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इसके कुछ है ही नहीं। आप इसको मतलब ज़मीन पे भी ग्रो कर सकते हैं। अगर पॉट में ग्रो करेंगे थोड़ा बहुत मतलब जो है तो आपको केयर रखना पड़ेगा। अगर ग्राउंड पे ग्रो करेंगे तो इसको कुछ भी मतलब आपको करना नहीं है और बहुत ही जल्दी जो है ये फास्ट ग्रो होता है और मतलब फ्लावरिंग भी अच्छा करता है। चलिए फिर मैं इसके ऊपर जो है जानकारी मैं आपको जो दिया, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।